नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस सिंगल क्लास में हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड जो लॉस है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से बन सकते हैं, वो सारे टाइप डिस्कस करेंगे। एडवांस से लेकर के, मतलब शुरुआत से लेकर के एडवांस लेवल तक जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप डिस्कस करेंगे। उस पर दो दो चार चार एग्जाम्पल भी करेंगे। तो जो पूरा चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आने वाला हो। और उसके अलावा सिंगल वीडियो में पूरा जो चैप्टर है उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट टाइम पे आपके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मैं आप सभी को ये एडवाइस देता हूँ, आपके बड़े भाई होने के नाते, कि लास्ट टाइम पे जो बड़ी बड़ी मैराथन है उनको आप अवॉइड करिए। उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपको करना क्या है कि आप जो भी चैप्टर्स हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो। इससे क्या है कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो उससे क्या है कि क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे ईजिली कर पाएंगे। तो मैराथन से उतना लाभ नहीं होगा आपको, जितना जो भी टॉपिक्स हैं आपके जिनमें डाउट है उनको अगर आप कवर करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर भी बना दिया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा है। बाकी यहाँ पर सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लॉस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। लॉस जो जनरेट हुआ है वो प्रॉफिट से ही जनरेट हुआ है। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इंसान को लॉस हो जाता है। बाकी प्रैक्टिकली कोई भी लॉस मतलब कमाना नहीं चाहता। हर आदमी की जो इच्छा होती है वो प्रॉफिट के लिए होती है। तो प्रॉफिट के चक्कर में लॉस हो जाता है। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई प्रॉफिट है, यहाँ पे जॉब करोगे तो उसमें भी कोई ना कोई आउटपुट जरूर होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में स्पेशली जो तीन फैक्टर हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगे। एक CP यूज़ होगा, एक SP होगा और एक MRP होगा। इसके बारे में पता होगा। CP कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस और MRP मतलब जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसे हम अंकित मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि SP जो है वो दो तरीके से आता है। एक तो जब CP यानी कि क्रय मूल्य पर फायदा या नुकसान होता है तो हमारा जो वैल्यू आता है वो SP कहलाता है। जैसे कि 4 रुपये की चीज़ को अगर आपने 5 का बेचा, यानी कि 1 का फायदा मिला तो ये 5 क्या है, SP है। या 4 की चीज़ को 1 के नुकसान यानी कि 3 पे बेचा तो ये क्या है, SP है। तो एक SP CP पे प्रॉफिट या लॉस होने पे आता है। दूसरा क्या है कि जब हम MRP पे डिस्काउंट अप्लाई करते हैं तो जो प्राइस आता है वो क्या कहलाता है, SP कहलाता है। तो SP दो तरीके से निकलता है। एक CP पे प्रॉफिट या लॉस ऐड करते हैं तो जो प्राइस आता है वो SP कहलाता है। और दूसरा MRP पे डिस्काउंट देते हैं तो जो प्राइस आता है वो आपका क्या कहलाता है, SP। जैसे कि 5 रुपये की चीज़ को 1 के डिस्काउंट पे बेचा गया यानी कि 4 का बेचा गया तो ये 4 क्या है, SP है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें क्या है कि आप लोग रटने का प्रयास करते हो, आपको रटना नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कब होगा, जब आप कम की कोई चीज़ खरीदोगे और ज़्यादा की बेचोगे तभी तो आपको फ़ायदा होगा। तो प्रॉफिट जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ आपने 4 की खरीदी और 5 की बेची तो कोई आपसे कहे कि कितने का फ़ायदा हुआ तो आप बता दोगे भाई सिंपली 5 की चीज़ थी, 5 की बेची, 4 की खरीदी थी यानी कि 1 का फायदा हुआ। ठीक है, तो ये फायदा आपने कैसे निकाला, आपने SP से CP को घटाया यानी कि यहीं से फार्मूला बन गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, SP - CP। यानी कि प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब हम कम की खरीद के कोई चीज़ ज़्यादा की बेचे। तो रटने का आपको प्रयास नहीं करना। ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको कितने का फायदा हुआ, 1 का फायदा हुआ। 1 का फायदा किस पे हुआ, 4 पे, तो 100 पे कितना होगा, यही प्रॉफिट परसेंट। तो यहीं से फार्मूला बना दिया गया कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP × 100। ठीक है, तो किसी भी चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं। जैसे लॉस है, लॉस कब होगा, जब आपका CP ज्यादा होगा और SP कम होगा। जैसे आपने कोई चीज 4 की खरीदी, 3 की बेची तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। कितने का हुआ, 1 का। 1 ये कैसे निकाला, आपने 4 में से 3 को घटाया यानी कि लॉस कैसे निकालते हैं, CP - SP। तो ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लॉस तभी होगा जब हम ज़्यादा की खरीद के कम की बेचेंगे। ठीक है, ऐसे ही लॉस परसेंट भी आप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और भी पता होनी चाहिए, जैसे कि सीपी क्या होता है। सीपी हमेशा आपका 100% होता है, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन में भी इसे डील करेंगे और परसेंट में भी समझेंगे। 100% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो वो 1 होती है, तो 1 का मतलब अगर कहीं पे 1 लिखा है तो उसका मतलब है कि 100% है। अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब है वो 200% है। 3 लिखा है तो 300% है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ पे 25% का फायदा होता है, इसका मतलब है अगर परसेंट में देखा जाए तो इसका मतलब है परसेंट में जो एसपी होगा वो कितना होगा, 125% होगा, क्योंकि सीपी 100% होता है। जब 25% उस पर आप प्रॉफिट अप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी जाएगी, 125%। ऐसे इससे आप फ्रैक्शन में भी डील कर सकते हो, जैसे कि 25% का फायदा हुआ, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी कि 4 पे 1 का फायदा हो रहा है, यानी कि 4 की चीज को 5 का बेचा गया। क्लियर? तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई। ऐसे लॉस अगर 25% का हो रहा है, इसका मतलब है एसपी कितना होगा, 75% होगा। वही चीज़ फ्रैक्शन में भी आप समझ सकते हो। इससे 25% फायदा होने का मतलब है कि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी कि 4 पे 1 का फायदा हुआ, तो सीपी कितना हो गया, 4, और एसपी कितना हो गया, 5। ऐसे लॉस अगर 25% का है तो 4 पे 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि 4 की चीज़ को 1 का लॉस, यानी कि 3 का बेचा जा रहा है। क्लियर ये बात? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि प्रॉफिट वो एसपी पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि कहा जाएगा कि विक्रय मूल्य पे 25% का फायदा होता है, तो बताइए एक्चुअल फायदा क्या होगा, तो एक्चुअल फायदा तो सीपी पे होता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य पे अगर फायदा कैलकुलेट करेंगे तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो एसपी को डिफाइन करेगी और ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट को डिफाइन करेगी, यानी कि कोई चीज जब 4 की बेची गई तो 1 का फायदा हुआ, यानी कि सीपी कितना होगा, 3 होगा। तो एक्चुअल फायदा 1 का हुआ वो 3 पे हुआ, मतलब 1 का फायदा हुआ 3, मतलब 3 इसका सीपी है और 1 का इस पे फायदा होता है, तो 100 पे कितना होगा, ये इसका एक्चुअल फायदा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इससे पहले भी आप चीज़ें जानते होंगे। उसके अलावा एक केस और भी ऐसा बनता है जहाँ पे आपको ये समझना होगा कि डिफरेंस हम लोग कैसे लेंगे। तो हमेशा याद रखो, अगर एक जैसी चीज़ें हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी हैं, तो डिफरेंस हम लोग घटा के निकालते हैं, और अपोजिट चीज़ें हैं तो डिफरेंस हम लोग जोड़ के निकालते हैं। जैसे इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि किसी वस्तु को 20% के फायदे पर बेचा जाता है, अगर इसे 15 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 30% का फायदा होता है। तो यहाँ पे अगर इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, इसे घटा के निकालेंगे, कितना होगा, 10% का, क्योंकि यहाँ पे भी फायदा है, यहाँ पे भी फायदा है। तो अगर एक जैसे साइन है, जैसे प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है तो डिफरेंस घटा के निकालेंगे, लॉस लॉस हो रहा है तो डिफरेंस घटा के निकालेंगे। अगर अपोजिट साइन है तो डिफरेंस जोड़ के निकालेंगे, जैसे एक तरफ अगर प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी तरफ लॉस हो रहा है तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जोड़ के निकालेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी और पहले से भी आप जानते होंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर प्रॉफिट एसपी पे कैलकुलेट होता है तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो एसपी को डिफाइन करेगी, नॉर्मली सीपी को डिफाइन करती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि विक्रय मूल्य पे इतना फायदा होता है तो नीचे वाला जो प्रॉपर्टी है वो फ्रैक्शन की जो नीचे वाली प्रॉपर्टी आएगी वो एसपी को डिफाइन करेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप की तरफ। जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, आपका शुरुआत से लेकर के एडवांस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इस सिंगल क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी आपकी छूटने वाली नहीं है, ठीक है। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन आपके आते हैं, और हर एक टाइप में 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, और 2-3 जो एग्जाम्पल होंगे उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगा, मतलब जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया उसको भी यहाँ पे हमने कंक्लूड करने का प्रयास किया है, और जो भी क्वेश्चन उठाए वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। जैसे कि पहले टाइप में क्वेश्चन पूछा आता है, किसी वस्तु को 72 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि 90% की जो वैल्यू है वो 72 है, आपको 5% का फायदा चाहिए, यानी कि 105% की आपको वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो 72, 90% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 72/90, 105 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 105। इसे जब सॉल्व कर लोगे तो कितना जाएगा, आपका जो वैल्यू आएगी वो आपकी, जब इसे सॉल्व करोगे तो 21 * 4 कितना हुआ, 84, यानी कि 84 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी में इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए, उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया तो कितना लाभ हुआ। तो टोटल उसका जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 1200 + 200, यानी कि 1400 रुपये की ये चीज़ उसे पड़ी, और उसने कितने का बेचा, 1680 का, तो कितना इसे फायदा हुआ, 280 का। तो 280 का जो फायदा हुआ वो 1400 पे हुआ, तो 100 पे कितना होगा, यही उसे एक्चुअल फायदा होगा। तो 14×28 यानी कि 20% का क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। उसके अलावा इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 630 रुपये में बेची गई यानी कि एसपी है, तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8, यानी कि 8 की चीज़ पे 1 का फायदा हुआ, यानी कितने की बेची गई 9 की। तो 9 की जो वैल्यू है वो 630 दी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 9 से 63, यानी कि 70 रुपये। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 से 56, यानी कि 560 रुपये। ठीक है, तो 560 रुपये जो है इसका सीपी आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो जितने भी तरीके के क्वेश्चन एक टाइप में बन सकते हैं वो सारे यहाँ पे हमने लेने का प्रयास किया है। जैसे कि 1470 रुपये में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो 16 से 2/3% फ्रैक्शन किसकी होती है 1/6 की, तो 6 पे 1 का फायदा हुआ, यानी कितने का बेचा गया 7 का। 7 की वैल्यू कितनी है 1470 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7 दूनी 14, 7 51 7, यानी कि 210। तो यहाँ पे हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 210 × 6, तो कितना जाएगा 0 6 दूनी 12, यानी कि 1260 रुपये आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। उसके अलावा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रॉफिट जो है या लॉस जो है वो विक्रय मूल्य पे कंक्लूड करेगा, वो आपसे पूछेगा एक्चुअल फायदा कितना होगा। जैसे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पे फायदा किस पे कैलकुलेट कर रहा है विक्रय मूल्य पे, तो वास्तविक लाभ क्या होगा। तो वास्तविक लाभ के लिए सीपी चाहिए होगा, तो यहाँ पे 16 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य पे फायदा हो रहा है, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू एसपी को बताएगी, मतलब रिप्रेजेंट करेगी, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि 6 की कोई चीज़ बेचने पर 1 का फायदा होता है, तो एक्चुअल में उसका जो सीपी होगा वो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, तो 1 का फायदा हुआ 5 पे, तो 100 पे कितना होगा 5 गुना 10, यानी कि एक्चुअल जो फायदा होगा वो 20% का होगा। तो आप समझ गए होंगे, जितने भी फर्स्ट टाइप में जितने भी तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया SSC के एग्जाम में। यदि 150 से 300 तक की के बीच कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकों बेचने पर मिलेगा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको सीपी की जो रेंज है यहाँ पे कितनी दी है 150 से 300 और एसपी की जो रेंज है वो 250 से 350 है, तो मैक्सिमम फायदा कब होगा जब आप मिनिमम की खरीद के मैक्सिमम की बेचें। यानी कि मिनिमम जब आप 150 की कोई चीज़ खरीदें और मैक्सिमम 350 की बेचें, तो ऐसा करने पर एक वस्तु पे कितना फायदा होगा 200 का होगा। तो 15 पे कितना होगा 15 दूनी 30, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आया है। अब बढ़ते हैं टाइप सेकंड की तरफ। ठीक है, और थोड़ा सा मैं स्पीड में इस वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, और यही पर्पज है इस क्लास का कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हो। ठीक है, तो टाइप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जैसे क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:4 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पे क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 4 है, तो कितने का नुकसान हुआ यहाँ पे 1 का नुकसान हुआ 5 पे, तो 100 पे कितना होगा 20% होगा। ठीक है, अब रेशियो से रिलेटेड यहाँ पे कई तरीके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको रेशियो दिया है 5 और 4 का, इसी रेशियो को थोड़ा घुमा के भी दिया जा सकता है, जैसे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग होती है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 गुना है, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 5/8 गुना है, इसका मतलब है कि 5/8 गुना क्या दिया हुआ है कि सीपी जो है वो क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का कितना है 5/8 गुना है। तो सीपी और एसपी का अगर यहाँ से हम रेशियो निकालें तो कितना जाएगा 5/8, यानी कोई चीज़ 5 की खरीद के 8 की बेची गई, तो 3 का फायदा हुआ 5 पे, तो 100 पे कितना होगा 5 गुना 10, यानी कि 60% होगा। इसी में कुछ और अलग तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है रेशियो के ही कॉन्सेप्ट पे कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमेशा याद रखो जैसे रेशियो है, जब रेशियो आप निकालोगे तो जो सीपी के साथ चीज़ें हैं वो एसपी में कन्वर्ट हो जाएगी और जो एसपी के साथ चीज़ दी है वो सीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो जो चीज़ क्रय मूल्य के साथ दी है उसे समझ लो कि वो एसपी है, और जो एसपी के साथ दी है उसे समझ लो कि सीपी, यानी कि 20 की कोई चीज़ खरीद के 15 की बेची गई, तो कितने का नुकसान हुआ 5 का नुकसान हुआ 20 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 5 × 20 कितना आ जाएगा 25%। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे कि क्या दिया हुआ है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जब CP/SP आप निकालोगे तो 20/15 हुआ, यानी कि जब रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो आपका कन्वर्ट हो जाता है। वो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप कर सकते हो कि जो चीज़ सीपी के साथ दी है उसे एसपी में मान लो और जो चीज़ एसपी के साथ दी है उसे सीपी आप मान लो और इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन के लेवल को एक ही टाइप में बढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको करा दूंगा। जैसे कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसे बताने की आपको जरूरत नहीं है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी कि 36 एसपी हो गया और 30 क्या हो गया आपका सीपी हो गया। तो 30 की चीज़ 36 की बेची गई तो 6 का फायदा हुआ 30 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 6 पंचे 30 यानी कि 5 दुना 10, 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इस तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अगर एडवांस कर दिया जाता है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और यहाँ पे प्राइस भी दिया होता है। ठीक है, यदि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे बस आपको इस चीज़ को पकड़ना है कि फायदा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ देखिए कि किसके बराबर होता है। अगर क्रय मूल्य के बराबर होता है तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करेगी और अगर यहाँ पे कहता है 3 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है तो यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो एसपी को रिप्रेजेंट करती। तो 3 का फायदा होता है कब, जब 15 अंडे बेचे जाते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू सीपी को डिफाइन करती है और ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट को डिफाइन करती है। तो 3 का फायदा होता है 15 पे, तो 100 पे कितना होगा, डायरेक्ट यहाँ से ही निकाल सकते हो 3 पंच 15 और 5 दुना 10 यानी कितना जाएगा आपका 20%। अगर यहाँ पे एसपी होता तो 15 की, तो यहाँ पे 15 एसपी को आपका रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो डायरेक्ट ये आपका करने का मेथड है। अगर आप लॉन्ग मेथड में करना चाहते हो समझ के तो आप ऐसे कर सकते हो। प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, एसपी माइनस सीपी से। तो प्रॉफिट किसके बराबर है, 3 एसपी के बराबर है। तो 15 जब चीज़ें आप बेचते हो यानी कि 15 की चीज़ें आपने बेची और 15 की जितने की खरीदी थी उसमें से जब आप डिफरेंस करोगे तो प्रॉफिट आएगा और वो किसके बराबर है, 3 सीपी के बराबर है। तो डायरेक्ट आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो डायरेक्ट आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट पे इस तरीके का भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि राम 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो वास्तविक लाभ क्या होगा। अब यहाँ पे लाभ विक्रय मूल्य के बराबर होता है यानी कि 11 का फायदा होता है 33 पे, लेकिन फायदा विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है। तो नीचे वाली वैल्यू एसपी को डिफाइन करेगी और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो प्रॉफिट को डिफाइन करेगी। तो 11 33 की कोई चीज़ बेचने पर 11 का फायदा होता है, इसका मतलब है कि सीपी कितना रहा होगा 22। तो एक्चुअल फायदा कितना होगा, 11 का फायदा हुआ 22 पे, तो 100 पे कितना होगा, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 50%। क्लियर, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जितने भी तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। अगला टाइप है, यहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे होलसेल वाला है वो अपने नीचे वाले को कुछ प्रॉफिट पे चीज़ बेचता है, उससे नीचे वाला उससे नीचे वाले को वो कुछ प्रॉफिट पे बेचता है। तो क्या है कि कोई एक ही आर्टिकल कई लोगों से होकर के जब गुजरता है तो यहाँ पे क्या है कि किसी केस में यहाँ पे किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, किसी को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे या तो आपसे फर्स्ट वाला प्राइस पूछेगा कि शुरुआत में प्राइस क्या रहा, या आपसे लास्ट वाला जो प्राइस है वो पूछेगा। दो ही तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे, मतलब दो ही वैल्यू आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी, तो राम है, फिर श्याम है, फिर मोहन है। तो 1000 यहाँ पे इनिशियल प्राइस दिया हुआ है तो फाइनल प्राइस पूछ रहा है। तो 1000 की चीज़ थी, इस पे पहले वाले को 20% का फायदा हुआ यानी कि 120/100 में बेचा, फिर दूसरे वाले को 10% के घाटे पे बेचा यानी कि 90/100 और यही फाइनल इसका प्राइस होगा। तो सॉल्व कर लो, 20 से 20 कैंसिल और 20 से 20 कैंसिल, 12 नमा 100 यानी कि 1080 रुपये की इसको ये पड़ेगी, किसको, मोहन को। तो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया, सीता ने 10% का लाभ पर मकान गीता को बेच दिया। यदि गीता 5% का लाभ लेकर संगीता को मकान बेच देती है तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 लाख की इनिशियल प्राइस है, ये वाला जो फाइनल प्राइस है वो आपको निकालना है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए ने एक वस्तु 10% के लाभ पर बी को बेची, बी ने 10% की हानि पर सी को बेची तथा सी ने 20% के लाभ पर डी को बेची। यदि डी सामान को 8,000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो ए यानी कि इनिशियल प्राइस पूछ रहा है, तो हमने मान लिया एक्स होगा। फिर यहाँ पे पहले 10% का फायदा हुआ यानी कि 110/100, फिर 10% का लॉस हुआ यानी कि 90/100, और फिर 20% का फायदा हुआ 120/100, और इसकी जो फाइनल कीमत है वो कितनी है, 8,000 है। तो बस इसे सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे आप इसे तो आपका जो आंसर है वो इतना आ जाएगा 6734 यानी कि 6734 एक्चुअल पूरा प्राइस आएगा। पॉइंट अगर इग्नोर करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था डिफरेंस वाला, कि अगर एक जैसी प्रॉपर्टी होंगी तो डिफरेंस हम लोग घटा के निकालते हैं और अपोजिट जो प्रॉपर्टी होंगी तो डिफरेंस हम लोग जोड़ के निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले 10% के फायदे पर बेच रहा है, अब दोबारा 15% के फायदे पर बेच रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, ये डिफरेंस 200 क्या है, ये पहला एसपी और दूसरे एसपी के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा? देखो यहाँ पर भी प्रॉफिट है, यहाँ पर भी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एक जैसी प्रॉपर्टी है, तो डिफरेंस घटा के निकालेंगे। यानी कि 5% का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा, और 5% की वैल्यू 200 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 40 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 और चिपका दो, यानी कि 4000 के बराबर होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% के लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा, तो इनका डिफरेंस जोड़ के निकालेंगे। यानी कि 25% की जो वैल्यू है वो 500 के बराबर है, तो 25 दूनी 50 यानी कि 1% की वैल्यू 20 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 2 0 और चिपका दो, यानी कि 2000 के बराबर होगी, ठीक है। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में भी आएंगे और चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि सीक्वेंस वाइज हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ भी पढ़ रहे हैं। जैसे कि कोई एक टाइप अगर हमने उठाया तो उसमें एडवांस लेवल तक का जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी यहाँ पे हमें डिस्कस करने का प्रयास किया। जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर मिलने वाली हानि से 11 से 1/9% ज़्यादा है। 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु की कीमत क्या होगी? देखो अभी तक क्या था, ये डिफरेंस आपको डायरेक्ट दिया हुआ था कि जैसे 500 रुपये कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है कि 770 रुपये बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये बेचने पर होने वाली हानि, यानी कि पहली कंडीशन में 770 रुपये में बेचा तो यहाँ पे फायदा हो रहा है, फिर 527 में बेचा तो लॉस हो रहा है। अब इसकी भी कंडीशन दी है कि 11 जो प्रॉफिट है वो हानि से 11 से 1/9% ज़्यादा है। तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9, यानी कि लॉस अगर 9 का हो रहा है तो प्रॉफिट उससे एक ज़्यादा यानी कि 10 का हो रहा है। तो यहाँ पे एसपी के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 190। और यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालोगे, एक तरफ प्रॉफिट है एक तरफ लॉस है, तो डिफरेंस जोड़ के निकालोगे। यानी कि 19 की वैल्यू 190 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का हुआ, 10 की वैल्यू कितनी जाएगी, 100, और यहाँ पे लॉस कितना हुआ, 90। तो सीपी आप चाहे इसमें 90 जोड़ दो तब भी आ जाएगा, और चाहे इसमें से प्रॉफिट आप घटा दो तब भी आपका जो सीपी है वो आ जाएगा। तो सीपी हमारा कितना आ गया भाई, जब इसमें 717 में से हमने 100 घटा दिया तो हमारा जो सीपी आ गया वो कितना आ गया, 617। आप कह रहे हैं 10% का प्रॉफिट अगर कमाना है तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 10% का प्रॉफिट कमाना है तो 110/100 की वैल्यू आप निकाल दो, या डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 10% की वैल्यू 61.7 होगी और वो इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 678.7। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ये उससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो यहाँ पे पहले 25% का फायदा हो रहा तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी कि 4 की चीज को 1 के फायदे यानी कि 5 पे बेचा गया। तो शुरुआत में जो सीपी और एसपी का रेशियो है वो 4 और 5 है। फिर कह रहा है कि जब ये 900 रुपये कम और 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में बेचता तो 5% का अतिरिक्त फायदा होता, यानी कि अब नई कंडीशन में 30% का फायदा हो रहा, तो 30% की फ्रैक्शन क्या होगी 3/10, यानी कि अब सीपी और एसपी का जो अनुपात है 10 की चीज को 3 के फायदे पर बेचा गया यानी कि 13 का बेचा गया, तो जो नया रेशियो है वो 10 और 13 हो जाता है। तो पहले आप समझ लो कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। हमने मान लिया कि सीपी है 4x पहली कंडीशन में और एसपी कितना है 5x, तो यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि अगर इसे 900 रुपये कम में खरीदता यानी कि 4x माइनस 900 का खरीदता और 900 रुपये कम में बेचता यानी कि 5x माइनस 900 का बेचता, तो ये वाला नया अनुपात है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2x की वैल्यू 2700 आई, हमें क्या निकालना है सीपी, यानी कि शुरुआत में सीपी कितना है 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी जाएगी 5400। तो ये तो बेसिक तरीका है। अब एडवांस तरीका समझो जो आपको पेपर में अप्लाई करना है, जैसे कि शुरुआत में आपको सीपी और एसपी का रेशियो क्या दिया है 4 और 5, अब क्या कह रहा है 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में बेचता तो नया रेशियो कितना होता है 10 और 13 का। आपको एक चीज़ मैंने बताई कि अगर एक जैसी चीज़ें होंगी तो डिफरेंस हम लोग घटा के निकालेंगे और अपोजिट चीज़ें होंगी तो डिफरेंस हम लोग जोड़ के निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका डिफरेंस ले लेंगे। अगर एक जैसे साइन है तो डिफरेंस घटा के निकाल देंगे, अपोजिट साइन होंगे तो डिफरेंस जोड़ के निकाल देंगे। तो यहाँ पर सभी का साइन पॉजिटिव है तो डिफरेंस घटा के निकालेंगे, ऐसे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस घटा के निकलेगा। तो 13 चक्कू 52 और 10 पचे 50, तो 52 और 50 का डिफरेंस कितना आया 2 रेशियो। अब यहाँ पे भी 900 है, यहाँ पे भी 900 है, तो 13 को इससे गुणा करेंगे और 10 को 900 से गुणा करेंगे और इसका डिफरेंस ले लेंगे। अब जब एक जैसी वैल्यू यहाँ पे है तो हम ये भी कर सकते हैं तरीका कि इनका डिफरेंस ले लें, 10 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ, 10 और 13 का डिफरेंस कितना हुआ 3, और 3 को 900 से गुणा कर दें तो कितना है 2700, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2700। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों वैल्यू ये सेम हो, जैसे यहाँ पे अगर 800 होता, यहाँ पे 600 होता, तो हमें फिर सॉल्व करना होता। अब यहाँ पे एक जैसे साइन मतलब चीजें हैं तो हमने कर लिया, क्योंकि 13 × 900 करते आप माइनस 10 × 900 करते, तो वही हमने किया कि 900 को हमने कॉमन ले लिया और 13 - 10 कर दिया। ये बात समझ में आ गई। तो 2 रेशियो की वैल्यू 2700 आ गई, हमें इनिशियल सीपी निकालना था, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी 5400। क्लियर? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा। देखो पहले 20% का फायदा हो रहा, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी कि 5 की कोई चीज़ खरीदता है और 6 की बेचता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि 20% के लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, तो यहाँ पे एक बार परसेंट में दिया है कम, एक बार ये वैल्यू में दिया है, तो इसे हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो 18 है, पहले ये समझो ये क्या है, क्या कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, यानी कि ये दोनों जो एसपी हैं, SP1 और SP2 के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो पहले हम क्या करते हैं कि परसेंट में निकाल लेते हैं कि SP1 और SP2 एक्चुअल में है कितने, ठीक है। तो एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि पहली कंडीशन में 100 की चीज़ अगर है तो 20% के अगर फायदे पर बेचा है तो 120 की बेच रहा है। अब कह रहा है कि अगर 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 10% कम में खरीदने का मतलब 90 की खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, यानी कि ये दोनों SP के बीच का डिफरेंस है, कम बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो इस पर 30% का अगर फायदा हो रहा है तो 9 या 27 आप ऐसे ऐड कर सकते हो, या डायरेक्ट आप 90 का 130% निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 13 कितना हो जाएगा 117, ठीक है। अब यहाँ पे SP1 आ गया, SP2 आ गया, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3, और 3 की वैल्यू 18 के बराबर दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आपसे क्या पूछ रहा है प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100 रेशियो की वैल्यू आपको बतानी है, तो कितनी जाएगी 600। क्लियर? तो ऐसा भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ, ठीक है। तो टाइप 5 क्या कहता है कि अगर दो वस्तुओं का जो SP है, यानी कि SP1 और SP2 की जो वैल्यू है वो बराबर है, ठीक है, और एक पे उतने का ही फायदा हो रहा है जितना दूसरे पे लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन मान लेते हैं X का फायदा हुआ और X का ही लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस होता है और वो कितने के बराबर होगा X² / 100% के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला याद रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है जब लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा तो आपको इसका बेसिक भी समझना होगा, ठीक है। तो बेसिक से समझ के चलो तो चीज़ें आप बेहतर कर पाओ, क्योंकि मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो एडवांस लेवल तक के पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है। देखो दोनों सेटों को एक ही मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि SP1 और SP2 दोनों आपके बराबर है, ठीक है। एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होगी। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर इक्वल फायदा हो रहा है और इक्वल नुकसान हो रहा है तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा, और वो किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होगा 400/100, यानी कि 4% का लॉस होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 20% का लाभ होता है। अब यहाँ पे प्राइस जो है वो मायने नहीं रखता है, और अगर प्राइस पूछा जाएगा तो प्राइस मायने रखेगा। अगर परसेंट में मान लेते हैं आपसे आंसर पूछा जा रहा है तो परसेंट में, परसेंट इज द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन से आंसर अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। एक पर 20% का अगर फायदा होता है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ को 6 का बेचा गया। दूसरे पे 20% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 5 की चीज़ को 4 का बेचा जा रहा है। अब कह रहा है दोनों का जो SP है वो बराबर है, तो 6 और 4 इसका LCM कितना हुआ 12। तो 12 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से गुणा कर दें तो 10 की चीज़ को 12 का बेचा गया, फिर यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 15 की चीज़ को 12 का बेचा गया, ठीक है। अब ओवरऑल CP कितना हो गया 10 और 15 25, ओवरऑल SP कितना हो गया 24, तो 25 की चीज़ को 24 का बेचा गया, तो कितने का नुकसान हुआ 1 का नुकसान हुआ 25 पे, तो 100 पे कितना होगा 25/100, इसलिए 4% आया। तो ये बेसिक चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगला जो मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ उसमें इस बेसिक का ही आपका यूज़ होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि SP1 और SP2 दोनों आपके बराबर है, ठीक है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 20% का लाभ होता है, यानी कि पहली वस्तु पर 20% का अगर फायदा हो रहा है इसका मतलब है 5 की चीज़ को 6 का बेचा गया। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, यानी कि 4 की चीज़ को 5 का बेचा जा रहा है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो 6 और 5 का LCM कितना हुआ 30। 30 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यानी कि पहली चीज़ को 25 की थी उसको 30 का बेचा गया, दूसरी चीज़ 24 की थी इसको 30 का बेचा गया। अब इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि दोनों के SP जो है बराबर है। अब क्या दिया हुआ है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 25 की जो वैल्यू है वो 10,000 के बराबर है, तो 1:1 की वैल्यू कितनी है 400, तो 24:1 यानी कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताना है तो 24:1 की वैल्यू बतानी है, तो 24 कितना हुआ 96, यानी कि 96 आ जाएगा। क्लियर। इसी में इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। पहली पर उसे 20% की हानि होती है तथा दूसरी पर उसे 60% का लाभ होता है। यदि इन दोनों क्रय मूल्यों के बीच का जो अंतर है वो 3200 है, तो दोनों समान जो विक्रय मूल्य हैं वो क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर चीज़ें आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखो पहले पे 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि होने का मतलब है एक इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ को 4 का बेचा गया। दूसरे पे 60% का लाभ हो रहा है, तो 60% की फ्रैक्शन निकाल लो 60/100। कैसे निकालते हैं, परसेंट की वैल्यू रख देते हैं, 2 3 6 2 5 10, यानी कि 5 की चीज़ पे 3 का फायदा हुआ, यानी 5 की चीज़ को 8 का बेचा गया। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर है, तो 4 और 8 का LCM कितना हुआ 8, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि पहली बार 10 की चीज़ को 8 का बेचा गया और दूसरी बार 5 की चीज़ को 8 का बेचा गया। अब विक्रय मूल्य दोनों के बराबर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन दोनों के क्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस, तो क्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस कितना है 5, क्वेश्चन में कितना दिया है 3200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5 × 30 और 5 × 20, 640। कह रहा है समान जो विक्रय मूल्य वो क्या होंगे, तो 1 की वैल्यू 640 के बराबर, तो 8 की वैल्यू क्या होगी 8 × 640, तो 64 × 8 = 512 होता है, यानी कि 5120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक 2 वस्तुएं थीं, 3 वस्तुओं पे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया और SSC ने ही ये क्वेश्चन पूछा है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इसमें बहुत सी मेहनत लगी है, सभी किस क्वेश्चन को कहाँ पे फ्रेम करना है, किस टाइप में रखना है, इस सब में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के मैंने ये आपके लिए जो पीपीटी है वो तैयार की है। तो इससे आपको रियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर, तीसरी को 25% की हानि पर बेचता है। इन सब के बाद उसे कुल 120 रुपए की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो यहाँ पे टोटल हानि दी है, यानी कि हम पहले टोटल प्रॉफिट, टोटल हमें सीपी पता हो, टोटल एसपी पता हो, तब तो हमें टोटल लॉस पता हो पाएगा, और उसकी वैल्यू 120 दी है। तो प्रत्येक का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, मतलब जो समान विक्रय मूल्य उसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले पे 20% का लाभ होता है, यानी कि 5 की चीज़ को 1 के फायदा, यानी कि 6 की बेचा गया। तो पहली जो वस्तु है उसमें सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, 5 और 6। तो 25% की हानि का मतलब 1/25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। 4 की चीज़ को 1 के नुकसान पर बेचा गया, और यहाँ पे 10% की हानि हो रही है, यानी कि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, यानी कि 10 की चीज़ को 1 की हानि पर, यानी कि 9 का बेचा गया। तो यहाँ पे रेशियो कितना आया, पहली जो वस्तु है वो 5 की खरीद के 6 की बेची गई, ठीक है। दूसरी वस्तु 10 की खरीद के 9 की बेची गई। तीसरी वस्तु 4 की खरीद के 3 की बेची गई। अब विक्रय मूल्य बराबर है, तो 6, 9 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 18। 18 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ 15 की थी, इसको 18 की बेचा गया। दूसरी चीज़ 20 की थी, इसको 18 का बेचा गया। तीसरी चीज़ 24 की थी, इसको 18 का बेचा गया। तो टोटल सीपी कितना आ गया, इनको जोड़ोगे तो 59। टोटल एसपी कितना हुआ, 58। तो कितने का नुकसान हो रहा, 5 का, और इस 5 की वैल्यू 120 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 24। पूछ रहा है प्रत्येक विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या है, 18 रेशो। तो 18 रेशो की वैल्यू कितनी जाएगी, 18 × 24। तो 18 × 72 का 2 हासिल लगा 7, 18×2 = 36, और 7, 7×6 = 13, 43, यानी कि 432 आ जाएगा आपका। तो 432 आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। यहाँ पे क्या है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी वस्तु का हमें परसेंट में मान निकालना है, तो परसेंट इज़ द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो हमारा आंसर फ्रैक्शन से निकल सकता है, हमें वैल्यू को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और वो विदिन सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि क्या दिया हुआ है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है, और उसने और इनमें से 2/3 भाग पर 5% का लाभ प्राप्त करता है, या 5% के लाभ पर बेचता है। बची वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ या हानि पर बेचे ताकि उसे कुल पर 13% का लाभ हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बची वस्तु को कितने परसेंट फायदे या नुकसान पर बेचे, यानी कि वो हमें परसेंट में बताना। तो परसेंट इज द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, बेसिक से तो आप कर ही सकते हो, मैं एडवांस लेवल से आपको बताता हूँ। इसे 2/3 भाग कहने का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब क्या है, टोटल भाग कितना है, 3, उसमें से 2 भाग को बेचा गया, तो बचा कितना, शेष 1 भाग। तो टोटल पे कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 13% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्लस हो गया। ठीक है, 2 भाग को, जो 2 भाग है उसको 5% के फायदे पर बेच रहा है, तो बचा हुआ भाग कितने परसेंट फायदे पर बेचे। तो यहाँ पे देखो 3 को ही तो 2 और 1 में ब्रेक किया गया, इसका मतलब इसका टोटल जो सम है वो इसके टोटल सम के बराबर होगा। तो 13×3 = 39%, और यहाँ पे कितना आया, 5×2 = 10%, और यहाँ पे कितना आएगा, x%। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, 29%, यानी कि शेष वस्तु 29 प्लस में आया, यानी कि शेष वस्तु को अगर हम 29% के फायदे पर बेचे तो ओवरऑल 13% का फायदा होगा। तो यहाँ पे जो 5400 आपको दिया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे कई तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है, जो प्राइस है वो दिया जा सकता है, कोई ऐसी वैल्यू दे दी जा सकती है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 1666.66 रुपये में बेचता है, तो आप इसको अगर पकड़ोगे तो इसमें कंफ्यूज होगे, बाकी इसका कोई लेना देना है ही नहीं। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% के लाभ पर बेचा, और शेष भाग लागत मूल्य पर बेचता है। लागत मूल्य पर बेचने का मतलब कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, यानी कि 0% का फायदा होता। तो लागत मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हुआ, 0% का फायदा हो रहा, तो उसे कुल कितने परसेंट का फायदा होगा। तो 3/4 का मतलब टोटल भाग कितना है, 4, उसमें से 3 भाग को बेचा, बचा कितना, 1 भाग। क्या कह रहा है, 3 भाग को 24% के फायदे पर बेच रहा है, शेष भाग को लागत मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि 0% के फायदे पर बेच रहा है। तो टोटल पे कितना फायदा होगा, तो इसका सम इसके सम के बराबर होगा। तो 4x की वैल्यू ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप इसे माइंड में भी कैलकुलेट करके डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो। तो 24 कितना हुआ, 72, तो 4 से काटोगे तो 4 × 4 और 4 × 8 = 32 यानी कि 18% आएगा। तो टोटल पे कितना फ़ायदा होगा 18% का। ऐसे ही इसमें आप इस तरीके का भी क्वेश्चन देख पाएंगे। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात जो है वो 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों का परसेंट क्या होगा जो वयस्क नहीं है। तो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हो, जैसे कि छात्र जैसे बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, इनका अनुपात 3 और 2 है, तो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हो गए 3:2:5 रेशियो, तो इसका सम इसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि या तो दो तरीके हैं आपके पास क्वेश्चन को लगाने के, या तो आप वयस्क निकाल लो तो 100 में से घटा के आप अवयस्क निकाल लोगे, या आप डायरेक्ट अवयस्क भी निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 20% जो छात्र हैं वो वयस्क हैं, 25% जो छात्राएं हैं वो वयस्क हैं, तो टोटल मान लेते हैं x% है, तो यहाँ पे 20 दिया कितना हुआ 60% और 25 दूनी कितना हुआ 50 बराबर 5x, तो ये कितना आया 110% की वैल्यू 5x के बराबर है। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 22%, यानी कि ओवरऑल 22% वयस्क हैं तो कितने अवयस्क हैं, तो 100 में से आप 22 घटा दो तो कितना जाएगा 78%। इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे वयस्क का डाटा लेके, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप वयस्क निकालो तो वयस्क का ही ओवरऑल डाटा होना चाहिए, और अवयस्क निकालो तो पूरा डाटा अवयस्क का होना चाहिए, जैसे कि 20% वयस्क है तो 80% अवयस्क होंगे, ऐसे 25% वयस्क हैं तो 75% अवयस्क होंगे। तो इसको लेके जब आप सॉल्व करोगे तो ओवरऑल अवयस्क का जाएंगे। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। यहाँ पे क्या है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट ओवरऑल जो है दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, जैसे कि अगर मैं p को कांस्टेंट रखना चाहता हूं और ये p किस से मिलके बना हुआ है x × y से, तो अगर मैं x को जिस रेशियो में बढ़ाऊंगा y उसी रेशियो में घटेगा। आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि टोटल जो खर्चा है वो बराबर रखा जाता है, तो प्राइस कम या ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी जो है वो उसकी रिवर्स हो जाती है। जैसे कि अगर कोई कहता है कि 110 रुपये में वो 10 किलो चीनी लेके आता था, ठीक है, लेकिन अब वो 110 रुपये में 11 किलो चीनी लेके आ रहा है, तो इसका मतलब है मात्रा जो है वो 10 से 11 हुई। तो आप देखो अगर 110 में 10 किलो चीनी लेके आता है यानी कि 1 किलो चीनी का जो प्राइस होगा वो 11 रहा होगा, और जब 11 रुपये की 11 किलो मिल रही है तो 1 किलो का जो प्राइस होगा वो 10 रुपये होगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से मात्रा का रेशियो 10 से 11 होने पर प्राइस का जो रेशियो वो 11 से 10 होगा। यानी कि अगर ओवरऑल जो प्राइस है वो कांस्टेंट है तो एक चीज़ को जिस रेशियो में आप बढ़ाओगे दूसरी चीज़ को उसी रेशियो में आपको घटाना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट पर ढेर सारे तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो जितने तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे, 10% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। यहाँ पे देखो आप 1 रुपये में पूछ रहे हैं, यानी कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में प्राइस कांस्टेंट रखेगा। अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं रखता है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है कि अगर पूछता कि 5 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, तो जो हम यहाँ पे मैथड लगाएंगे इससे हम वही प्राइस पे जो वैल्यू है वो निकाल पाएंगे जो शुरुआत में दिया था, जैसे कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे ये हम निकाल पाएंगे, फिर 5 रुपये का हमें अलग से निकालना होगा। अभी इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आया वो भी हम करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदता है तो 10% का फायदा होगा। 10% फायदा होने का मतलब 100 की चीज़ को 110 का बेचता है, 100 की चीज़ को 110 का बेचता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है उसका रेशियो 10 और 11 है, तो जो क्वांटिटी होगी जो आर्टिकल होंगे उनका जो रेशियो होगा वो 11 से 10 होगा। अब यहाँ पे रेशियो की जो वैल्यू है वही एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने होंगे, 10 संतरे बेचने होंगे। अगर ये डायरेक्ट चीज़ें आप याद रखते हो तो मौखिक आप जो क्वेश्चन है उन्हें आप कर सकते हो। इससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल में बढ़ते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है कि 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो प्राइस ओवरऑल कांस्टेंट रखना है, पहले 40% की हानि होती है यानी कि 60% में बेचता है, फिर 20% का फायदा होता है यानी कि 120% में बेचता है। तो प्राइस का जो रेशियो है वो 1 और 2 है, तो जो क्वांटिटी होगी उसका रेशियो 2 और 1 होगा। 2 की वैल्यू कितनी है 32 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 16, यानी कि 20% का प्रॉफिट कब होगा जब वो 1 रुपये में 16 आर्टिकल बेचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये पूछ लेता कि 5 रुपये में कितने आर्टिकल बेचेगा, तो इस वाले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसमें उसी प्राइस पे पहले वाले प्राइस पे आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आएगी। अगर कोई उससे इतर पूछा है प्राइस तो आपको उसकी अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे 1 रुपये में 32 संतरे बेचता है, तो एक रुपये में नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है उसमें एक रुपये पे आंसर आपका आएगा। अगर अलग से पूछा जैसे कि यहाँ पे 5 रुपये पूछता तो 5 1 रुपये में अगर 16 मतलब 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे 16, तो 5 रुपये में कितने बेचने होंगे अगर पूछा होता है यहाँ पे तो उसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हमेशा जो शुरुआत में वैल्यू दी है उसी वैल्यू पे आंसर आपका आएगा। अगर अलग से कुछ पूछा गया तो उसका अलग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब क्वांटिटी निकल के आएगी वो 40 रुपये में निकल के आएगी, क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सेम प्राइस पे मतलब जो पहला वाला प्राइस है उसी पे हमारा जो क्वांटिटी है वो निकल के आती है। तो 24 रुपये के लिए हमें अलग से निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या है, पहली कंडीशन में 20% की हानि होती है यानी कि कितने का बेचा 80% का, फिर 20% का लाभ कमाना है यानी कि 120% इसका प्राइस करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है उसका रेशियो कितना है, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 4 3 12, तो क्वांटिटी का रेशियो जो होगा वो 3 और 2 होगा। 3 की वैल्यू 45 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15 के बराबर, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30। तो हमें एक क्या निकल के आया कि 40 रुपये में उसे 30 संतरे बेचने होंगे तो उसे 20% का फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है 24 रुपये में कितने बेचने होंगे, तो 24 रुपये में निकालने के लिए आप देखो यहाँ पे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे 30/40, तो 24 में कितने बेचने होंगे 30/40 इंटू 24 कर दो बस, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यानी कि 6 तियाँ 18, तो उसको 18 संतरे 24 रुपये में बेचने होंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लिक कर गया होगा कि कुछ भी पूछे आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर लोगे आप क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि 80 बॉल पेन जो है वो 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की, मैं आपको बता दूँ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि 80 बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, 30% का लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में उसे कितने बॉल पेन बेचने होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल जो वैल्यू निकल के आएगी वो 80 बॉल पेन जो है 140 रुपये बेचता है तो 140 रुपये पे निकल के आएगी, जो इनिशियल प्राइस होगा उस पे निकल के आएगी। फिर 104 के लिए हम अलग से निकाल लेंगे। तो पहले क्या है 30% की हानि होती है यानी कि 70% प्राइस है, ठीक है, फिर 30% का लाभ है यानी कि 130 इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ से प्राइस का रेशियो 7 और 13 है तो क्वान्टिटी का जो रेशियो होगा वो 13 और 7 होगा। 13 की जो वैल्यू है वो 113 की जो वैल्यू है वो 80 दी है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 80/13 इंटू 7 यानी कि 560/13। तो इतने आर्टिकल मिलेंगे कितने में आपके 140 में मिलेंगे, लेकिन हमें निकालने कितने में है तो इसे हम काट भी सकते हैं 14 छक्कू 56 यानी कि 1 रुपये में कितने आर्टिकल मिल रहे हैं 4/13। हमें निकालने कितने में है 104 में, तो 104 से गुणा कर दो भाई 4/13 इंटू 104, तो 13 अट्ठे 104 8 चक्कू कितना आ जाएगा 32 यानी कि 104 रुपये में 32 आर्टिकल उसे बेचने होंगे तब उसे 30% का फायदा होगा। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप 8 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आप डायरेक्ट याद रखोगे जैसे कि क्या दिया हुआ है कि एक आदमी को किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमेशा याद रखो जब दिया हो कि उतने ही % का फायदा या नुकसान होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि अगर लॉस हो रहा तो यहाँ पे जो SP दिया हुआ है उसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जो सम है वो 10 के बराबर है और ऐसी कंडीशन में दोनों आंसर आपके करेक्ट होते हैं। और आपके प्रॉफिट के केस में क्या करते हैं इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस 10 हो और जो छोटा वाला वैल्यू है 0 चिपका के वो आपका आंसर होता है। अब ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को भी आप समझ लो। जैसे कि यहाँ पे मान लिया CP कितना है X, तो लॉस कितना हो रहा है X% का, तो SP कितना है 21, तो X की चीज़ पे अगर X% का फायदा हुआ तो 100 - X/100 का आपने बेचा और वो कितने के बराबर है 21 के बराबर। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे X के 2 वैल्यू आएंगे 30 भी आएगा 70 भी आएगा, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर 30 दिया तो 30 आपका करेक्ट होगा, 70 दिया है तो 70 करेक्ट होगा, अगर दोनों दिए तो दोनों वाला होगा। वैसे आपका एक ही ऑप्शन जो है वो दिया होगा, ठीक है। अब आपको मेथड पता चल गया कि लॉस जब होगा जब कहे कि प्रॉफिट या लॉस जो है वो CP के बराबर ही होता है, जितना क्रय मूल्य है उतने के बराबर फायदा या नुकसान होता है। तो ऐसे केस में लॉस के केस में क्या करेंगे जो भी SP दिया हुआ है उसका ऐसा सम करेंगे जिन मतलब उसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका सम जो है वो 10 बने, और एक एक जीरो चिपका के दोनों वाले जो आंसर दोनों जो वैल्यू हैं वो करेक्ट होंगे। और लॉस और प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 10 हो और छोटा वाला जो वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा। अभी आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। जैसे क्या दिया हुआ है कि एक आदमी, पहला क्वेश्चन स्किप हो गया, हाँ यही वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया। ये आप देख सकते हैं कि एक आदमी किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे लाभ वाला केस है, तो लाभ वाले केस में ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका डिफरेंस 10 हो। तो 18 आपका कितना होता है 144, एक एक जीरो चिपकाओ, प्रॉफिट के केस में छोटा वाला जो वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना जाएगा 80। तो इसमें देख के ही आप आंसर जो है इसका टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो लॉस के केस में ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका सम जो है वो 10 के बराबर हो। तो 24 कैसे फैक्टर करो जिनका सम 10 हो, तो 6 चौक 24, एक एक जीरो चिपकाओ, दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे। वो आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, डिफरेंस 10 होना चाहिए, तो 15 5 75, तो एक एक जीरो चिपकाएंगे, छोटा वाला जो वैल्यू है वो आंसर होगा। लॉस के केस में दोनों आंसर करेक्ट होंगे और प्रॉफिट के केस में जो छोटा वाला वैल्यू है वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये जो टाइप है वो भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। तो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड जो है जितने भी तरीके क्वेश्चन खतरनाक से खतरनाक बन सकते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो उसको आप आराम से समझिएगा। ये टाइप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का वजन प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में जो ग्राम होते हैं वो 1000 होते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपये है, तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम का प्राइस कितना होगा 1000 रुपये। तो यहाँ पे क्या कहता है कि 800 ग्राम का वजन प्रयोग करता है, यानी कि माल तो 800 का देता है लेकिन पैसा जो है पूरे 1000 लेता है। तो कितने का फायदा हुआ 200 का, 200 का फायदा हुआ 800 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 2 चक्कू 8, 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा 25%। तो ये तो सिंपल जो कॉन्सेप्ट पे आता है क्वेश्चन वो हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 30% कम वजन प्रयोग करने का मतलब माल जो है वो 700 का देता है और पैसा पूरे 1000 का लेता है। 30% कम वजन का मतलब क्या है, 700 ग्राम माल दिया, तो 700 ग्राम का प्राइस कितना हुआ 700 रुपये। तो 700 रुपये का माल देता है, पैसा 1000 लेता है, तो कितने का फायदा हुआ 300 का, 300 का फायदा हुआ 700 पे, तो 100 पे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इसे सॉल्व करोगे तो 42.6/7% आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी कर लेंगे। अब थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगी। देखो यहाँ पे 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 30% जब उसने कम वजन तोला तो वो अपनी हानि को मिनिमाइज कर लेगा, क्योंकि उसने वजन में चूना लगाया। तो इसको 44% की हानि ना होकर के कुछ कम की हानि होगी, समझो इसे। 30% कम वजन देने का मतलब है कि 1000 के बदले माल जो है वो 700 का दिया। अब क्या कह रहा है कि 44% की हानि पर बेचता है, तो 100 1000 की चीज़ को 44% की हानि पर बेचने का मतलब 56% में बेचा, यानी कि 560 का बेचा। तो 700 की चीज़ खरीदी और 560 की बेची, तो कितने का नुकसान हुआ 140, 140 का नुकसान हुआ 700 पे, तो 100 पे कितना होगा 14 5 70, यानी कि 20%। वैसे से 20% का नुकसान हुआ, अगर ये ईमानदारी दिखाता तो इससे 44% का ही नुकसान होता। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इससे थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, 20% कम वजन तोलता है, इसका मतलब लाभ जो है वो 10% से कहीं ज़्यादा होगा। जस्ट रिवर्स क्वेश्चन पूछा है। तो 20% कम वजन तोलता है, यानी कि 1000 के बदले माल कितने का देता है 800 का, लेकिन 10% लाभ पर बेच ने की शुरुआत में बात कही थी, यानी कि 1000 की चीज़ को 10% के लाभ पर बेचेगा, यानी कि 1000 का 110% निकालोगे तो कितना आएगा 1100, यानी कि 800 की चीज़ को 1100 का बेचा तो कितने का फायदा हुआ 300 का, 300 का फायदा हुआ 800 पे, तो 100 पे कितना होगा 20 से 20 कैंसिल हो गए, सॉल्व करोगे तो 37 से ही 1/2% आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। किस तरीके से पूछा जा सकता है? थोड़ा सा उल्टा, कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने की बात करता है। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कि 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, तो ये चीज़ ना देके आपसे ये चीज़ ही क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो वास्तविक लाभ जो है उसे 37 से ही 1/2% का होता है। तो बताइए शुरुआत में उसे कितने % लाभ पर बेचने की बात कही थी? ये क्वेश्चन ऐसे बनता, तो ऐसे जब बनता तो कैसे क्वेश्चन को करते? यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20% कम वजन तोलता है, मतलब 1000 की चीज़ को वो शुरुआत में X% के लाभ पर बेचने की बात करता है। इस X की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन 20% कम वजन तोलता है, यानी कि 1000 के बदले माल कितने का देता है 800 का, तो इस पे से 37 से ही 1/2% का फायदा होता है। 37 से ही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/8, यानी कि 8 की चीज़ को 3 का बेचता है, तो यहाँ पर 8 की वैल्यू 800 के बराबर है, 8 की चीज़ को 3 के फायदे पर बेचता है, यानी कि 11 का बेचता है, तो 8 की वैल्यू 800 के बराबर है, तो यहाँ पे 300 का फायदा हुआ, यानी कि कितने का बेचा 1100 का। तो अब ये इनिशियल वाला जो फायदा है वो आप निकाल सकते हो कि शुरुआत में इसने 1000 की चीज़ को 1100 में बेचने की बात कही थी, तो कितने का फायदा होगा 100 का फायदा होगा, 100 का फायदा 1000 पे होगा, तो 100 पे कितना होगा तो 10% आ जाएगा। तो ऐसे रिवर्स करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक रिवर्स करके मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि एक दुकानदार, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% की हानि पर बेचने की बात करता है, परंतु 20% कम वजन तोलता है, 20% का लाभ कमाता है, X का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे ये जो X है, जो पहले आपको नहीं दिया हुआ था, मतलब पहले कंडीशन में दिया हुआ था, वही एक्चुअल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि 20% कम वजन तोलता है, यानी कि 100 की जगह माल कितना देता है 800, ठीक है, लेकिन 20% का फायदा होता है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, 5 पे 1 का फायदा हुआ, यानी कि 5 की चीज़ को 6 का बेचा गया, 5 की वैल्यू 800 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी यहाँ पे 160 के बराबर, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 16×6=96, यानी कि 800 की चीज़ को 960 का बेचा। तो शुरुआत में अगर 1000 की चीज़ को 960 में बेचने की बात कर रहा है, तो कितने का नुकसान हो रहा है इससे 40 का, 40 का नुकसान हो रहा है 1000 पे, तो 100 पे कितना होगा 20 से 20 कैंसिल हो गए, यानी कि 4% का शुरुआत में नुकसान होने की बात कही थी इसने। तो घुमा के भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो भी आप कर लोगे, ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, थोड़ा सा और एडवांस लेवल में पहुँचते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का बात करता है, मतलब वादा करता है। लाभ % क्या होगा? देखो, 20% माल खरीदते समय 20% चोरी का मतलब क्या हुआ कि आप कम पैसा देके ज़्यादा चीज़ खरीद लो। इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि जब आप चोरी कर रहे हो माल की तो इसका मतलब है आपने कम पैसा देके ज़्यादा चीज़ खरीदी, लेकिन जब आप बेचते समय चोरी करोगे तो ज़्यादा पैसा लेके आप कम चीज़ बेचोगे। बात क्लियर है? तो यहाँ पे अगर 20% की चोरी करता है, यानी कि शुरुआत में वो 1000 रुपये दे के 1200 का माल लेके आता है, यानी कि 1200 ग्राम चीज़ लेके आता है, ठीक है, और बेचते समय 40% की चोरी करता है, यानी कि 600 ग्राम माल देता है, लेकिन बेचते समय ये कह रहा है कि हम 10% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि ये कह रहा है 1000 की ना बेच के हम 900 की चीज़ दे रहे हैं आपको, हम 10% की हानि वहन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले अगर हमें एक्चुअल फ़ायदा या नुकसान देखना है तो हमें पहले ये तो निकालना होगा कि समान चीज़ हमने कितने की खरीदी और कितने की बेची। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेना होगा, तो 12 और 600 का एलसीएम कितना हुआ 1200, तो इसे 200 गुणा करना पड़ेगा। तो 1200 ग्राम 1000 का खरीदा और 1200 ग्राम कितने का बेचा, 200 जब गुणा कर दोगे तो 1800 का बेचा। तो 1000 की चीज़ खरीद रहे हो, 1800 की बेच रहे हो, तो 800 का फायदा हुआ, 800 का फायदा हुआ 1000 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो ये आपका कितना जाएगा 80%। तो क्लियर, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगला टाइप क्या, इसी टाइप में थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता था। बेचते समय वह 800 ग्राम का वजन प्रयोग करता है, तो लाभ % क्या होगा? देखो, बेच तो 800 800 ग्राम का वजन देता है, यानी कि 800 का माल देता है। अब शुरुआत में क्या था, 1000 की चीज़ जो थी उस पर 40% अधिक अंकित किया, यानी कि 1400 रुपये का ठप्पा लगाया और फिर इस पर 25% का डिस्काउंट दिया। तो 25% डिस्काउंट देने का मतलब 75% में बेच दिया। तो कितने का बेचा, 25 × 75, 25 × 4 4 से काटेंगे तो 4 × 12 और 4 × 5 = 20, तो 35 × 3 कितना हुआ, 105। यानी कि 800 का माल देता है और बेचता कितने का है, 800 का माल देता है और प्राइस रुपए कितने लेता है, 1050। तो कितने का उसे फायदा हुआ, 250 का। 250 का फायदा हुआ 800 पे, तो 100 पे कितना होगा, 20 से 20 कैंसिल हुए, 8 से काटेंगे तो 8 × 24, 8 × 1 = 8, 31.25 आएगा। यानी कि 31.25 ये वाला जो ऑप्शन है, मतलब ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा है और इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि क्या दिया हुआ है कि एक आदमी ने एक किताब 9% के लाभ पर तथा एक पेन 13% के लाभ पर बेचे। अगर वह किताब को, यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू है उसे ट्रांसवर्स कर दिया जाता है, मतलब जो चीज़ पहली कंडीशन में दी है उसको उल्टा करके दूसरी कंडीशन में दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शिफ्टिंग जो है वो भी लगा सकते हो, लेकिन शिफ्टिंग अगर नहीं समझ में आती है आपको तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। फिर क्या दिया हुआ है कि एक आदमी ने एक किताब 9% के लाभ पर तथा एक पेन जो है वो 13% के लाभ पर बेचे। अगर वह किताब 13% के लाभ पर और पेन को 9% के लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर वह दोनों को 2000 रुपये में, 20000 रुपये में खरीदता है, तो यहाँ पर क्या है कि दिया हुआ है कि 9% के लाभ पर बुक को बेचता है और 13% के फायदे पर पेन को बेचता है, तो कुछ प्रॉफिट होता है। फिर अगली कंडीशन में क्या है कि 13% के फायदे पर बुक को बेचता है और 9% के फायदे पर पेन को बेचता है, तो उसे 80 रुपये ज़्यादा का फायदा होता है। तो अगर हम इसका डिफरेंस ले लें, डिफरेंस जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, यानी कि सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट को घटाएंगे तो 4% आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंस बराबर है, यहाँ पर भी डिफरेंस बराबर है। तो बुक माइनस पेन के 4% का डिफरेंस 80 है, तो यहाँ पे ओवरऑल इसका डिफरेंस कितना आ गया, अगर हम इसमें 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2000। और इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 20000। तो यहाँ से अगर आपको दो चीज़ों का सम दिया है और उनका अंतर दिया है, तो बड़ी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 20000 + 2000, यानी कि 22000 बटे 2। तो बुक की जो प्राइस आ जाएगी वो 11000 आएगी और पेन की जो प्राइस आएगी इन्हें घटा के आधा कर दो, यानी कि 9000 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप शिफ्टिंग से भी कर सकते हो अगर आपको शिफ्टिंग पता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन वही वाला है। हाँ, यहाँ पर भी क्या है कि सेम वही है, बस यहाँ पे जो डिजिट है वो चेंज कर दिया गया। यहाँ पे 20000 की जगह 25000 है, यहाँ पे देखो 13% और 17% है, यहाँ पे 17 और 13% है। तो डायरेक्ट आपको तरीका पता होगा कि इसमें डिफरेंस बराबर आता है, तो डिफरेंस कितना, 4%। तो 4% इनके डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दी है, 120 के बराबर। तो 4 × 3 = 12, तो 1% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, 3000। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस पता और सम भी पता है, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया। मैं शिफ्टिंग आपको लगा के बता भी देता हूँ कि कैसे शिफ्टिंग लगाई जाती है। ठीक है, बाकी आप कर भी सकते हो ऐसे। अगर शिफ्टिंग आप नहीं लगा पाते हो, शिफ्टिंग में आप कन्फ्यूज हो जाते हो, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया हुआ है कि 8 किताबों और 5 पेन की कुल कीमत जो है वो 92 रुपये है। 3 किताबों और 2 पेन की कीमत जो है ज्ञात करो। यदि 5 किताब और 8 पेन की कीमत जो है वो 77 रुपये। देखो, 8 किताब और 5 पेन की कीमत कितनी है, 92 रुपये। 5 किताब और 8 पेन की जो कीमत है वो 77 रुपये। तो देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पे डिफरेंस और सम पता होना चाहिए। तो एक बार क्या करेंगे कि घटाओगे, फर्स्ट में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाएंगे, तो फर्स्ट में सेकेंड को घटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा, डिफरेंस 3 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा बुक और पेन का। जब जोड़ोगे तो 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13, तो यहाँ से इसका सम पता चल जाएगा। तो फिर यहाँ से इक्वेशन बनके क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। नहीं तो आप, मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ, आप शिफ्टिंग करो। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 8 बुक थी, 8 बुक और 5 पेन की जो कीमत है वो 92 रुपये। अब यहाँ पे अगर आपने 3 बुक जो हैं वो पेन में ट्रांसफ़र कर दी, 3 बुक जब ट्रांसफ़र की तो यहाँ पे बुक कितनी बची, 5, और पेन कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे इसका प्राइस कितना हो गया, 77 रुपये। तो कितने की कमी हो रही है, आप देखो यहाँ पे प्राइस में कितने की कमी हो रही है, 15 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम 8 की 8 बुक यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें तो जो बुक हैं वो पेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 13, और वैल्यू कितनी कम होगी, 8 अगर ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे देखो 3 ट्रांसफर होने पर 15 की कमी होती है, यानी कि 1 ट्रांसफर में 5 की कमी होगी, तो 8 ट्रांसफर करने पर 8×5=40 की कमी होगी, तो 40 की यहाँ पे कमी करोगे तो इसका प्राइस कितना जाएगा, 52। तो 13 छक्कू कितना हुआ, 52। यानी कि पेन की कीमत कितनी आ गई, 4। पेन की कीमत अगर 4 आ गई तो यहाँ से आप किसी इक्वेशन में वैल्यू रख के आप बुक की जो कीमत है वो निकाल सकते हो। तो ये शिफ्टिंग का तरीका है, तो शिफ्टिंग आपको ऐसे लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि एक आदमी एक मेज को 15% के लाभ पर तथा कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है और 540 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। अगर वह मेज को 12% की हानि पर तथा कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। कुर्सी तथा मेज का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये जो लाइन दी है सेकंड वाली, वो आपको रेशियो निकालने के लिए दी है कि आप मेज और कुर्सी के जो रेशियो है वो निकाल पाए। देख क्या दिया हुआ है, अगर वह मेज को यानी कि टेबल को अगर वो 12% की लॉस पर बेचता है और कुर्सी को 15% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है। यानी कि इसको इधर लेके जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि टेबल के 12% की जो वैल्यू है वो कुर्सी के 15% की वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे 4 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12 3 5 15, यानी कि हम कह सकते हैं टेबल और जो चेयर है उसका रेशियो कितना है, 5 और 4 का है। यानी कि हम कह सकते हैं चेयर और टेबल का जो रेशियो है वो, टेबल और चेयर का रेशियो कितना होगा, 5 और 4, और चेयर और टेबल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 4 और 5 होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब हमने ये रेशियो निकाल लिया। अब हमें ये जो लाइन दी है यहाँ से क्या है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो हमने देखो यहाँ पे परसेंट में निकालना है, तो हमने मान लिया इसका प्राइस 500 है और इसका प्राइस 400 रुपये। तो यहाँ पे कह रहा है कि आदमी मेज को 15% के लाभ पर, मेज को यानी कि टेबल को 15% के लाभ पर बेचेगा तो 500 का 15% कितना हुआ, 75 का लाभ होता है यहाँ पे। और फिर कह रहा है कि कुर्सी को 12% की हानि पर, तो कुर्सी को 12% की हानि पर बेचने का मतलब 48 रेशियो की हानि होगी। तो टोटल यहाँ से फायदा नुकसान, टोटल फायदा कितना हुआ, 75 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना है, 15 में से 8 गया तो कितना अच्छा 7, और 6 से 4 गया तो कितना अच्छा 2, 27 रेशियो का फायदा हो रहा। लेकिन क्वेश्चन में कितने का फायदा हो रहा, 540 का। तो एक रेशियो की वैल्यू कितने का बराबर, 20 के बराबर। क्या पूछ रहा है, अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। तो टेबल का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 500 को 20 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, कुर्सी की 8,000 आ जाएगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पिछले एग्जामों में, तो आ भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उन सबको मिला के, मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जो कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी टाइप मैंने आपको बताए उन टाइप के इतर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। ज्ञात करो कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। देखो 800 रुपये में बेचा जाता है तो कुछ फायदा होता है, 275 में बेचा जाता है तो कुछ लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उससे होने वाली हानि का 20 गुना, यानी कि हानि अगर 1 रेशियो की होती है तो प्रॉफिट कितना है, इसका 20 गुना यानी कि 20 का है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि इसके बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 800 और यहाँ पे 275, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंस निकालोगे तो 25 हुआ तो कितना हुआ 300 और 525 आया डिफरेंस एसपी के बीच का। और यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, प्रॉफिट और लॉस के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जोड़ के, यानी कि 21 रेशियो की वैल्यू 525 के बराबर। तो सॉल्व करेंगे तो 21 दूना 42 और 21 पंचे 105, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 25 के बराबर आ गई। तो यहाँ पे सीपी निकालना है, तो यहाँ पे चाहे आप प्रॉफिट घटा दो तो प्रॉफिट कितना आएगा, 25 दूनी 50, 500 का फायदा हो रहा है, और यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 25 का। चाहे लॉस जोड़ दो या प्रॉफिट घटा दो, तो सीपी कितना जाएगा, 300 रुपये आ गया। अब कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए कितने का बेचना होगा, तो 20% का लाभ जब अप्लाई करेंगे तो 120% की वैल्यू निकाल लो, एसपी कितना जाएगा आपका, 12×3=36, 360 रुपये। तो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो इसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता, यानी कि 30% का फायदा होता। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। 20% लाभ होने का मतलब है 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो शुरुआत में कितना है 5 और 6, फिर इसे 600 रुपये कम में खरीदा और 400 रुपये कम में बेचा, तो यहाँ पे 30% का फायदा होता है। 30% की फ्रैक्शन आपकी क्या होती है 3/10, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना है 10 और 13, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे 13 25 65 और 10 छक्का 60, कितना डिफरेंस आया 5, क्योंकि एक जैसे साइन है तो डिफरेंस घटा के निकाल लिया। अब यहाँ पे 23 छाक 78 7800 हो गया, और यहाँ पर भी एक जैसे साइन है तो डिफरेंस घटा के निकालेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4000, तो इसका डिफरेंस आपका कितना हो गया, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3800, तो 5 रेशो की वैल्यू जो है वो 3800 के बराबर आ गई। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य कितना है शुरुआत में 5 रेशो है यानी कि 3800 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या दिया हुआ है कि वैसे तो बहुत खतरनाक है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि मोहन ने 60 पैसे प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाई, उसने विक्रय मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा कि अगर 600 वस्तुएं बिके तो भी उसे 40% का फायदा होगा, हालांकि वह 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब हो रहा है जबकि 120 वस्तुएं खराब हो जाती हैं, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखो 600 में उसे जो है वो 40% का फायदा होता है, तो 630 में ओवरऑल हमें फायदा निकालना है, यानी कि 30 जो एक्स्ट्रा उसने बेची वस्तुएं उस पे अगर हम फायदा निकालें तो ओवरऑल फायदा हमें पता चल जाएगा। तो देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है 40% का फायदा 600 वस्तुओं बेचने पर उसे 40% का फायदा होता है, यानी कि 600 से 140% वो कमाता है। तो यहाँ पे एक जीरो अगर हटाएं तो 60 से कितना कमाएगा 14%, तो 30 से कितना कमाएगा 7%, बस 30 से ही हमें फायदा निकालना था, तो 30 पे 7% का फायदा होगा और 600 पे 40 का होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 630 पे 47% का फायदा होगा। तो बस इतना सा ही सोल्यूशन था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक आदमी एक किताब और एक मेज को क्रमशः 13% और 9% के लाभ पर बेचता है और 1060 रुपये का लाभ कमाता है, परंतु अगर वह किताब को 16 से 2% के लाभ पर वह मेज को 11 से 1/9% की हानि पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है, तो किताब और मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पे सेकंड जो लाइन है यहाँ से हमें क्या है कि रेशो निकल के आएगा, यहाँ पे कोई लाभ या हानि नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि बुक के 16 से 2/3% का मतलब बुक के 1/6 की जो वैल्यू है वो टेबल के 11 से 1/9 की फ्रैक्शन 11 से 1/9% 1/9 की फ्रैक्शन होती है, यानी कि इसके 1/9 के बराबर है। तो बुक और टेबल का जो रेशियो कितना जाएगा 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6 3 3 9, यानी कि 2:3 आएगा। तो हमने मान लिया इसका प्राइस 200 है, इसका 300। अब ये पहली वाली जो लाइन है वहां से हमें वैल्यू निकल के आएगी। क्या दिया हुआ है कि किताब और मेज को क्रमशः, किताब को 13% के लाभ पर बेचा, 13% के लाभ पर बेचेगा तो कितने का फायदा होगा 26 रेशो का, और बुक को 9% के लाभ पर बेचेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किताब और मेज को क्रमशः 13%, किताब और मेज को क्रमशः 13% और 9% के लाभ पर बेचता है, तो टेबल को जो है 9% के फायदे पर बेचेगा तो 9 3 27 का फायदा हुआ, तो टोटल कितना हो गया ये वैल्यू 7 6 13 53 रेशो की जो वैल्यू है वो 1060 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 20 के बराबर आ गई। तो क्या पूछ रहा है किताब और मेज का मूल्य क्या होगा, किताब जो होगी वो कितनी 200 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी 200 × 20 यानी कि 4000, और टेबल का प्राइस कितना जाएगा 6000। तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, पहली पर 10% 1700, एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, पहली 10% की हानि पर व दूसरी 25% के लाभ पर, कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करो। अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, देखो पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेचा यानी कि 10 की चीज को 9 का बेचा, दूसरी को 25% के लाभ पर बेचने का मतलब 4 की चीज को 5 का बेचा। अब इक्वेशन सेटिस्फाई करो कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना है 10, इसका विक्रय मूल्य कितना है 5, इसको बराबर करने के लिए 200 गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 10 की चीज को 9 का बेचा, फिर 8 की चीज को 10 का बेच रहा है, तो टोटल यहाँ से सीपी कितना आ गया 10 8 18, टोटल एसपी कितना आ गया 19। तो यहाँ पे क्या कह रहा है एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचता है, यानी कि 19 रेशो की वैल्यू जो है वो 1710 के बराबर, तो 19 × 171 यानी कि 1 रेशो की वैल्यू 90 के बराबर आ गई। तो क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मिला और अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करो, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि क्या होगी 18 की चीज को 19 का बेचा यानी कि 1 रेशो का यहाँ पे क्या हुआ नुकसान हुआ, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 90, यानी कि ओवरऑल इस सौदे में इसे 90 रुपए का लॉस होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को हमने पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और बहुत मतलब सिस्टमेटिक तरीके से मैंने सारी चीज़ों को अरेंज किया। सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से अगर इसे देखेंगे तो आपके रिवाइज आएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन बना लेंगे। प्रॉफिट लॉस में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।